नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सबका। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित खंड काव्य भारत भारती की 25वीं कड़ी में। अब तक हमने हमारे प्राचीन भारत की, हमारे पूर्वजों की, हमारी उन्नति की, उत्कर्ष व श्रेष्ठता की कथाएं सुनी, और केवल सुनी नहीं वो कथाएं, अपितु तथ्यों के आधार पर उन अमिट सत्य प्रसंगों की प्रामाणिकता भी की। लेकिन सबसे बड़ा सत्य संसार में है दिन रात का, जीवन मृत्यु का, आदि अंत का, उत्कर्ष अपकर्ष का, उन्नति अवनति का। अर्थात जिसकी उन्नति होती है उसकी अवनति भी निश्चित है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद जहां से आगे कोई मार्ग नहीं जाता, केवल नीचे उतरना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है, तो कुछ ऐसा ही हमारे भारतवर्ष के साथ भी हुआ। तो आइए जानते हैं आज कि कैसे प्रारंभ हुई हमारी वो अवनति की, या पीछे लौटने की, हमारे पतन की ओर की हमारी यात्रा। इस भांति जब जग में हमारी पूर्ण उन्नति हो चुकी, पाया जहां तक पथ वहां तक प्रगति की गति हो चुकी, तब और क्या होता हमारे चक्र नीचे को फिरे, जैसे उठे थे अंत में हम ठीक वैसे ही गिरे। इस भांति जब जग में हमारी पूर्ण उन्नति हो चुकी, पाया जहां तक पथ वहां तक प्रगति की गति हो चुकी। इस प्रकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते जब संसार में हमारी उन्नति अपने चरम पर पहुंच गई, जहां तक मार्ग नजर आया वहां तक हमारे कदम बढ़ते चले गए। लेकिन अब स्थिति यह थी कि उससे आगे जाने का कोई मार्ग ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं बचा था। तब और क्या होता हमारे चक्र नीचे को फिरे, जैसे उठे थे अंत में हम ठीक वैसे ही गिरे। तो अब अंततः हमारे चक्रों की गति विपरीत हो चली, उस बिंदु पर उन्हें रोकना असंभव था। तो ढलान की ओर बढ़ चले वो चक्र नीचे की ओर, जिस प्रकार हम उठते चले गए थे, जिस गति से, ठीक वैसे ही हम नीचे की ओर गिरते जा रहे थे। ये तो सभी जानते हैं कि चढ़ाई कठिन होती है, चुनौतियों भरी होती है, किंतु उतराई पर, ढलान पर नीचे लुढ़कने की गति बड़ी तीव्र हो जाती है। चढ़ने में बहुत समय लगता है पर उतरना आसान होता है, बहुत शीघ्र हो जाता है। उत्थान के पीछे पतन संभव सदा है सर्वथा, प्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। हाँ, किंतु अवनति भी हमारी है समुन्नति सी बढ़ी, जैसी बढ़ी थी पूर्णिमा वैसी अमावस्या पड़ी। उत्थान के पीछे पतन संभव सदा है सर्वथा, प्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। यानी उत्थान के पश्चात पतन होना ही नियति है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना जैसे अनिवार्य होता है। हाँ, किंतु अवनति भी हमारी है समुन्नति सी बढ़ी, जैसी बढ़ी थी पूर्णिमा वैसी अमावस्या पड़ी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारी अवनति भी उतनी ही बड़ी सिद्ध हुई जितनी की उन्नति थी। जिस प्रकार हम पूर्णिमा के चंद्र के समान भूमंडल में दीप्तमान थे, उसी प्रकार हमारी अमावस्या का आना, हमारे तेज का क्षीण होना और विलुप्ति भी टाली नहीं जा सकती थी। पैदा हुआ अभिमान पहले चित्त में निज शक्ति का, जिससे रुका वह स्रोत सत्वर शील श्रद्धा भक्ति का। अविनीतता बढ़ने लगी, अनुदारता आने लगी, पर बुद्धि जागी, प्रीति भागी,
कुमति बल पाने लगी। पैदा हुआ अभिमान पहले चित्त में निज शक्ति का, जिससे रुका वह स्रोत सत्वर शील श्रद्धा भक्ति का। उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर स्वयं को पाकर हमारे भीतर अभिमान जाग गया, अपनी शक्ति व उपलब्धि पर हमें दंभ हो गया। कहते भी हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो हमें अपनी सफलता का घमंड हो गया, उस ऊंचाई से हमें सब बहुत छोटे हीन निम्न प्रतीत होने लगे, बौने प्रतीत होने लगे। अपने सामने हमें कोई नजर ही नहीं आता था, और इसी भावना ने हमारे उस सत्वर शीघ्रगामी यानी तेज रफ्तार से बढ़ने वाले उस शील को, श्रद्धा को, भक्ति के स्रोत को यानी नैतिक आचरण व्यवहार व विवेचन के मार्ग को ही रोक दिया, उस उन्नति के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। कहा भी जाता है कि जिसके मन में दंभ घर कर जाए उसके मन मस्तिष्क में सद्भाव नहीं रह सकता। अविनीतता बढ़ने लगी, अनुदारता आने लगी, पर बुद्धि जागी, प्रीति भागी, कुमति बल पाने लगी। अविनीतता बढ़ने लगी अर्थात नम्रता शालीनता घटकर अभिमान व उद्दंडता को जन्म देने लगी। अनुदारता बढ़ने लगी, हमारे उदार हृदय अब लिप्सा लोभ लालच को स्थान देने लगे, कटुता निरादर दुर्भाव के बीज रोपित होने लगे। विपरीत होने लगी हमारी बुद्धि, प्रेम प्रीति के भाव भी लुप्त होते प्रतीत होने लगे, और उसके स्थान पर कुमति निंदा घृणा कठोरता दुर्भाव जन्म लेने लगे। फिर स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष का विष बीज जो बोने लगा, दुर्भावना के वारी से उग वह बड़ा होने लगा। वे फूट के फल अंत में यूं फूल कर फलने लगे, खाकर जिन्हें जीते हुए ही हम यहां जलने लगे। फिर स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष का विष बीज जो बोने लगा, दुर्भावना के वारी से उग वह बड़ा होने लगा। फिर यही स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष और दुर्भावना के बीज फलने फूलने लगे, समाज में विष व्याप्त होने लगा, और ये पौधे सुगंध के बजाय विष उगलने लगे। सारा वातावरण विषैला हो गया था, हवा पानी जो इन बीजों को मिल रहा था वह भी दुर्भावना से भरा हुआ था, तो भला कैसे उससे पैदा होने वाले फल फूल इन प्रवृत्तियों से वंचित रहते। वे फूट के फल अंत में यूं फूल कर फलने लगे, खाकर जिन्हें जीते हुए ही हम यहां जलने लगे। फूट की राजनीति ने हमें तोड़ दिया। हम हमेशा एक छत्र भारत का स्वप्न देखते थे, हमारे राजा महाराजा भी भारत को एक छत्र करने, हमें सामंजस्य बैठाने का सदा प्रयत्न करते रहते थे, लेकिन समाज में फैले हुए दुर्भाव ने, द्वेष ने हम सबको अलग कर दिया, हमें फूट पड़ गई। लेकिन समाज में बढ़ रहे वो दुर्भावना के फल फूट डालते ही जा रहे थे और हमारे समाज को क्षीण करते जा रहे थे, हमारे भारत को कमजोर करते जा रहे थे। शीघ्रता से वो विष फैल रहा था, हमारे अस्तित्व को नष्ट कर रहा था। ऐसे विषैले फलों का सेवन कर हम मदांध होते जा रहे थे, विक्षिप्त होते जा रहे थे, अपना अच्छा बुरा भूलते जा रहे थे। द्वेष ईर्ष्या स्वार्थ की अग्नि में जल उठे थे, पूरा भारत जल उठा था। क्या देर लगती है बिगड़ते जब बिगड़ने पर हुए, फिर क्या परस्पर बंधु ही तैयार लड़ने पर हुए। आखिर महाभारत समर का साज सज ही तो गया, डंका हमारे नाश का बेरोक बज ही तो गया। क्या देर लगती है बिगड़ते जब बिगड़ने पर हुए, फिर क्या परस्पर बंधु ही तैयार लड़ने पर हुए। तब ये फूट के फल जो थे जो जो बढ़ रहे थे, हम सबको एक दूसरे से अलग कर रहे थे,
और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती जाए तो फिर बात बनने के स्थान पर बिगड़ती चली जाती है और फिर सर्वनाश होते देर नहीं लगती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपस में भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बन बैठे थे, लड़ने को आतुर एक दूसरे के रक्त के प्यासे। और यही हुआ महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध में भी, आखिरकार हमारा अंत आ गया था। आखिर महाभारत समर का साज सज ही तो गया, डंका हमारे नाश का बेरोक बज ही तो गया। इस युद्ध के डंके के साथ साथ रणभूमि में ही नहीं, समय ऐसा आ गया था कि घर घर महाभारत हो रहा था, कलयुग के रूप में फलित हो रहे थे दुराचार के बीज। हां सोचनीय परंतु ऐसा कलह भी होगा नहीं, तू ही बता है काल ऐसा हाल देखा है कहीं। हां बंधुओं के हा करों से बंधु कितने कट मरे, यह भव्य भारत अंत में बन ही गया मरघट हरे। हां सोचनीय परंतु ऐसा कलह भी होगा नहीं, तू ही बता है काल ऐसा हाल देखा है कहीं। अवश्य विचार करने योग्य बात है कि जब उन्नत थे हम, ऐसी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी, स्वप्न में भी ऐसे दुर्दिन कभी आएंगे भारत में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, प्रश्न ही नहीं उठा था। स्वयं काल से भी यदि प्रश्न किया जाए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, क्या पहले कभी ऐसा देखा है कहीं, तो काल भी अवश्य निरुत्तर हो जाएगा। हां बंधुओं के हा करों से बंधु कितने कट मरे, यह भव्य भारत अंत में बन ही गया मरघट हरे। अनगिनत भाइयों ने अपने हाथों से अपने ही भाइयों को मार डाला, कुरुक्षेत्र के मैदान की तो बात ही क्या है, पूरा देश मानो मरघट के समान बन गया था, श्मशान बन गया था, मानवता की चिताएं धू धू कर जल रही थी चारों ओर। इस सर्वनाशी युद्ध का वह दृश्य कैसा घोर था, उस ओर था यद पुत्र तो लड़ता पिता इस ओर था, संतान ही के रक्त में यह मातृभूमि सनी, यहां उस स्वर्ग की सी वाटिका की हाय राख बनी यहां। इस सर्वनाशी युद्ध का वह दृश्य कैसा घोर था, उस ओर था यदि पुत्र तो लड़ता पिता इस ओर था। उस विभत्स युद्ध को याद करके आज भी रूह कांप उठती है जब हम टेलीविजन सीरियल्स में उन घोर दृश्यों का मंचन देखते हैं। इस अग्नि की सभी रिश्ते संबंध बलि चढ़ चुके हैं, मां बेटे का, भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, देवर भाभी का, गुरु शिष्य का। उस महाभारत के युद्ध ने हर रिश्ते का हमें एक विकृत रूप दिखा दिया है जिसकी हम इससे पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। संतान ही के रक्त में यह मातृभूमि सनी यहां, उस स्वर्ग की सी वाटिका की हाय राख बनी यहां। तो जो स्थान कभी स्वर्गतुल्य था, जो बाग बगीचे कभी फूलों की सुगंध से रंगों से सजे रहते थे, खिले रहते थे, लेकिन अब वो रक्त रंजित है, संतान के खून से लथपथ हैं, जल रही हैं जहां चिताएं पुत्रों की, राख बन गए हैं माताओं के लाल स्त्रियों के सुहाग। इस भांति जब बलहीन होकर देश उजड़ हो गया, फिर वह हुआ जिससे कि अब सर्वस्व अपना खो गया, घुस कर शकादि अनार गण निर्भय यहां बढ़ने लगे, निशक्त देख श्रृगाल घायल सिंह पर चढ़ने लगे। इस बात जब बलहीन होकर देश उजड़ हो गया, फिर वह हुआ जिससे कि अब सर्वस्व अपना खो गया। इस प्रकार जब भारत शक्तिहीन होकर बिखर गया, हमारे हिंदुस्तान का जब वो चमन उजड़ गया, तब कुछ और ऐसा हुआ जो उससे भी कहीं अधिक बदतर था। अभी तक हम आपस में लड़मर रहे थे,
अब बारी थी दूसरों के हत्थे चढ़ने की। अपनी लड़ाई को तो निपटाया जा सकता है, अपने मतभेदों को दूर किया जा सकता है, लेकिन बाहरी आक्रमण पर काबू पाना सरल नहीं होता। कमजोर पर वार करना तो यूं भी आसान होता है, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों को कोई कठिनाई नहीं हुई। बहुत समय देखकर उन्होंने इस कार्य को किया। जब हम अपने पतन की ओर जा रहे थे, हम पर अपना आधिपत्य जमाने की, हमारी संपत्ति लूटने की, हमारा मनोबल तोड़ने की उनकी वो कोशिश सफल हो गई। और ये मौका हम ही ने उन्हें दिया, हमारी कमजोरी ने उन्हें दिया, हमारे आपस की फूट ने, हमारे दंभ ने, हमारे अभिमान ने उन्हें दिया। यही वो समय था जब शक और हूणों ने भारत का रुख किया था। अत्यंत क्रूर और नृशंस जाति थे। और जब सम्राट विक्रमादित्य ने भारत को एक छत्र करने की कोशिश की थी, घुसकर शकादि अनार्य गण निर्भय यहां बढ़ने लगे, निशक्त देख श्रृगाल घायल सिंह पर चढ़ने लगे। कहते हैं कि घायल मृत शमशेर पर तो गीदड़ भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो जब हम भारतीय सिंहों को ये हाल देखा, उन्हें निशक्त निर्जीव सम देखा, तो वे श्रृगाल यानी गीदड़ भी शेर बनकर हम पर हावी होने लगे। वे हत्यारे, वे बर्बर नृशंस अनार्य यवन हमारी संपत्ति व सम्मान का ह्रास करने निरंतर हमारे देश में आने लगे। हिंसा बढ़ी ऐसी कि मानव दानवों से बढ़ गए, भूसे न भार सहा गया, अविचारू पर चढ़ गए। सहसा हमारा यह पतन देखा न प्रभु से भी गया, तब शाक्य मुनि के रूप में प्रकटी दया मय की दया। हिंसा बढ़ी ऐसी कि मानव दानवों से बढ़ गए, भूसे न भार सहा गया, अविचार ऊपर चढ़ गए। इतनी बढ़ गई थी हिंसा के प्रतीत होता था कि मानव अब दानव बन गया है, या यूं कहें कि दानवों की नृशंसता को भी पीछे छोड़ चुका है। धरती से इन पापियों का भार सहा नहीं जा रहा था। धरती रो रही थी, शोक मग्न थी और विचार मग्न भी कि इस स्थिति को अब कैसे संभाला जाए। अपने ही इन बेटों का अत्याचार कब तक सहे, क्या करे क्या न करे, लेकिन यह भी जानती थी कि हल उसे स्वयं ही ढूंढना है। सहसा हमारा यह पतन देखा न प्रभु से भी गया, तब शाक्य मुनि के रूप में प्रकटी दयामय की दया। तो ईश्वर से भी हमारा यह पतन देखा नहीं जा रहा था। ईश्वर की अपनी पुण्य भूमि का भविष्य अंधकारमय हो गया था। तब ईश्वर की दया से धरती माता पर फिर आया एक अवतार, एक ऐसा लाल जन्मा शाक्य मुनि के रूप में, और फिर प्रकटी ईश्वर की दया, दयामय बुद्ध के रूप में। शाक्य मुनि अर्थात गौतम बुद्ध, भगवान विष्णु के नौवें अवतार माने जाते हैं। वे 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल भारत सीमा के पास एक स्थान है। और फिर प्रारंभ हुआ बौद्ध काल। कहते हैं कि ईसा की 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य जाति की आधी जनसंख्या यानी आधे से अधिक लोग बौद्ध थे। बौद्ध काल के विषय में हम अगली कड़ी में कुछ और बातें करेंगे। तो आज यहां पर लेंगे एक हम विश्राम। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूं। सुनते रहिए और बने रहिए भारत भारती की इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार। जय भारत, जय भारती।